नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई चाइना से रिलेटेड। चाइना में आपको पता है साथियों, एक छुपी हुई जाति है। जाति तो क्या है भैया, सभी लोगों को पता है, लेकिन ये देश है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि ये मामला उनका उठाते नहीं है। आपने सुना होगा चाइना में उइगर मुसलमान, जी हाँ साथी, उइगर मुसलमान, उन पर जितना ज़्यादा शोषण होता है चाइना में, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं पर भी होता होता, उतना तो म्यांमार में भी रोहिंग्या मुसलमानों पर भी नहीं हुआ होगा, कोई भी कास्ट पे, कोई भी धर्म पे, जाति पे नहीं होता होगा। यहाँ चाइना, आपको पता है चाइना का ये जो उइगर मुसलमान है, इनका अलग देश होता था पहले, पूर्वी तुर्किस्तान अलग देश था, अलग इनकी सरकार थी, सब कुछ अलग था, चाइना का आधिपत्य कर लिया। आपको पता है चाइना हांगकांग अलग कंट्री है, जबकि चाइना अपना मानता है। तिब्बत अलग कंट्री है, चाइना अपना मांगता है। तो पूरी तुर्किस्तान अलग कंट्री है उइगर मुसलमानों की, लेकिन चाइना अपना मानता है। चाइना जितना नीच इस देश में, इस वर्ल्ड में कोई देश नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ अब क्या है, मुझे समझ नहीं है, ये मामला उठाया। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, पता है ना कि जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन उइगर मुसलमानों को नरसंहार यानी जड़ से ख़त्म करना, कत्ल करने का इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ कोर्ट है, उसमें मामला दर्ज हुआ। जी हाँ साथियों, वर्ल्ड का पहला ऐसा केस आया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि उसमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को पूछताछ हो सकती है। जी हाँ साथियों, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आपको पता है साथियों, उइगर मुसलमान लगभग पिछले तीन सालों में 18 लाख से ज़्यादा उइगर मुसलमान या तो लापता हो चुके हैं या जड़ से ख़त्म कर दिया जा चुका है, उनको मार दिया जा चुका है। एक वीडियो वायरल हो रहा है अपने इंडिया में, आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान कुछ शरारती तत्व होते हैं, उनको एडिट करके डाल दिया। ये देखो, चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहाँ पे वो कुरान पढ़ रहे हैं कि कुरान को पढ़ने से ही कोरोना भागेगा, जबकि ये चीन का राष्ट्रपति इतना घटिया साला चूतिया इंसान है। आपको पता है, लोगों को इसने काट दिया, कटवा दिया इनको, इस पर मुकदमा चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट पे। लंदन के जो क्रिमिनल लॉयर हैं, उन्होंने इन पर मुकदमा किया। जी साथियों, अभी की आज की न्यूज़ आइए, मैं बता दूँ आपको, 9 जुलाई की न्यूज़ आइए, ठीक है। और 15 लाख उइगर मुसलमानों का अता पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए, उनको लापता कर दिया, कुछ को मौत के घाट उतार के जला दिया, जमीनों में गाड़ दिया उनको, उनका पता तो नहीं लगा। और लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं, चाइना का ये बोल रहा है कि इसको पढ़ने से झूठी न्यूज़ ये फैलाई जाती है, लगभग अपने पड़ोसी देश में वहाँ से ये चीज़ निकल के आती है, क्योंकि वो तो उनके भक्त हैं, गुलाम हैं चाइना के, तो वो तो उनके खिलाफ़ नहीं बोल सकते। तो ये सी बातें हैं, रोज़ हम चाइना से रिलेटेड भाई आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। उइगर मुसलमानों का ये मुद्दा उठा है 9 जुलाई को, जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मुकदमा चला गया है। और ये करने वाला कौन है, एक लॉयर है, एक लेडी, और तुर्किस्तान की जो पूर्व निर्वासित जो सरकार है, जो पहले वहाँ सरकार थी, उनको कैद करके रखा है, वो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा किया है। ये मुकदमा साथियों, बता दूं आपको, पता है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है जिनपिंग, उनके जितने भी 80 लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इन उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, इनको जान से मारते हैं, उनके ऊपर दबाव देते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। 80 लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह कि आगे क्या होने वाला है, हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट इनको बयान देने के लिए कोर्ट में बुलाए, और हो सकता है आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, पूरी जानकारी हम रेगुलर टॉपिक पर बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बस आज की शुरुआत शॉर्ट तरीके से मैंने बताई है कि आगे पूरी डिटेल के साथ हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे कि चाइना की चाल क्या है और वो आगे चाहता क्या है। इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा करके सभी कंट्रियों पे अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई ये भारत है, टकराना बड़ा मुश्किल है भारत से, ठीक है साथियों। बस जानकारी देने के लिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।